नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप इंफो नेशन देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर आरजेडी के दानापुर से विधायक रितलाल यादव के दो बॉडीगार्ड गिरफ्तार कर लिए गए। इनके ऊपर अवैध हथियार रखने का मामला बना, जिसके बाद पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर ली है और इनके पास से हथियार भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि रितलाल यादव दानापुर से आरजेडी के विधायक हैं। इसके पहले वो जो है पटना जो सीट है वहाँ से एमएलसी थे, और जब साल 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने इस्तीफा देकर के जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा, और आरजेडी के बाहुबली चेहरे के तौर पर जो है रितलाल यादव की पहचान है, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके दो बॉडीगार्ड को जो है अरेस्ट कर लिया है। पटना पुलिस ने शनिवार को दानापुर के राजद विधायक रितलाल यादव के दो निजी बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से दो नाली बंदूक, एक पिस्तौल, एक राइफल और एक 185 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम भीम प्रसाद जो कि पालीगंज का निवासी है, जबकि दूसरे व्यक्ति का नाम विजय प्रसाद यादव है जो कि भोजपुर का निवासी बताया जा रहा है। दानापुर एएसपी अभिनव धीमान ने बताया है कि पटना पुलिस द्वारा अंगरक्षक लेकर घूम रहे अवैध धारकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अधिकांश हथियार के लाइसेंस जम्मू कश्मीर से निर्गत हैं, जिसका पटना में पंजीकरण नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों से आर्म्स लेकर यहां पंजीकरण नहीं करवाना नियमों का उल्लंघन है। इसी क्रम में शनिवार को दानापुर विधायक रितलाल यादव के दो निजी बॉडीगार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार जो है हथियार के साथ कर लिया है। एएसपी ने बताया कि विधायक के बॉडीगार्ड आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए। इस मामले में खगौल थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में दानापुर के नासरीगंज घाट पर गांव से घूम रहे तीन लोगों को, जिसमें राजनाथ सिंह, संजीव तिवारी एवं अलख निरंजन हैं, उसको भी अवैध हथियार लेकर के घूमने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो भी लोग बिहार के बाहर के राज्यों से अपना हथियार का लाइसेंस निर्गत करा चुके हैं, उन्हें पटना जिले में लाइसेंस का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यह आम सेक्ट का उल्लंघन है, और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने की भी का भी जो आग्रह है वो किया जा सकता है। तो बड़ी बात यह है कि दानापुर से विधायक हैं आरजेडी के रितलाल यादव, उनके जो दो निजी बॉडीगार्ड्स थे उनके पास से जो है पुलिस ने अवैध हथियार एक तरीके से है कि वो बरामद किया है। जिंदा कारतूस, दो नाली बंदूक के साथ साथ एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। बड़ी बात ये कि अगर किसी दूसरे राज्य का अगर हथियार है, अगर किसी राज्य में मान लीजिए कि आप बिहार के बाहर के हैं और आपने किसी दूसरे राज्य से हथियार ले रखे हैं, तो राज्य के संबंधित जिले जहां पर आप हैं वहां के जिला प्रशासन या फिर जिला पुलिस में इसका निबंधन कराना अनिवार्य होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। बिहार में अधिकांश ऐसे हथियार बरामद किए जा रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर या फिर दूसरे राज्यों में निर्गत कराया गया, जिसके लाइसेंस वहां से प्राप्त हैं और उनका बिहार में कोई भी निबंधन नहीं हुआ है। ऐसे में उन हथियारों के खिलाफ पुलिस का अभियान चल रहा है, और इसी कड़ी में आरजेडी के विधायक रितलाल यादव के दो निजी बॉडीगार्ड्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।